बिहार में लगातार पकड़ुआ विवाह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शादी का यह पूरा मामला बीते 30 मार्च का है। लड़की के पिता ने थाने में आवेदन दिया कि राजस्व कर्मचारी रिंटू ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। बिहार के बेगूसराय से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बताया जाता है कि जिस शख्स पर किडनैपिंग का केस लगा हुआ है उसका पुलिस के सामने ही पकड़ुआ विवाह हो गया है। शख्स का कहना है कि उसकी मर्जी नहीं थी लेकिन जबरदस्ती शादी कराई गई। शादी का पूरा वाकया मामला बीते 30 मार्च का है अब जाकर सामने आया है। पूरी कहानी आपको बता दें, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लड़की के पिता ने समस्तीपुर के विभूतिपुर थाने में बेटी के किडनैपिंग की शिकायत की थी। बेटी के किडनैपिंग की वहां पर कंप्लेन दर्ज कराई थी। दरअसल छोड़ाही बेगूसराय थाना क्षेत्र के पतला गांव निवासी श्याम नारायण महतो का बेटा रिंकू कुमार सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड में राजस्व कर्मचारी के पद पर है। समस्तीपुर के रहने वाले जागेश्वर प्रसाद ने अपनी बेटी का रिश्ता रिंटू के घर बेगूसराय भेजा था लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद फिर क्या था, करीब एक महीने पहले जब रिंटू छुट्टियों पर घर अपने गांव आया तो लड़की भी रिश्तेदार के घर रिंटू के गांव पहुंच गई। लड़के के रिश्तेदारों ने राजस्व कर्मचारी रिंटू को चाय पर अपने घर बुला लिया, लड़के से उसकी मुलाकात कराई। हालांकि उस वक्त कुछ बात नहीं बनी और फिर रिंटू वापस सीतामढ़ी चला गया। इतना कुछ होने के बाद लड़की के रिश्तेदार ने राजस्व कर्मचारी को फोन किया और कहा कि एक युवक का एग्जाम के लिए सीतामढ़ी में सेंटर गया है, उसके रुकने की यानी उसके स्टे करने की जो व्यवस्था वहां पे कर दी जाए। इस पर राजस्व कर्मचारी मान गया। इसके बाद बीते बुधवार को लड़की राजस्व कर्मचारी रिंटू के कमरे पर पहुंच गई। फिर लड़की के पिता ने थाने में आवेदन दिया कि राजस्व कर्मचारी रिंटू ने उसकी बेटी का किडनैप कर लिया है और उसको कहीं ले गया है। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाने के पुलिस ने आवेदन मिलते ही राजस्व कर्मचारी के मोबाइल पर फोन किया, थाना आने के लिए कहा। राजस्व कर्मचारी लड़की को लेकर समस्तीपुर पहुंच गया। यहां स्टेशन पर मौजूद विभूतिपुर थाने के पुलिस ने दोनों को पकड़ा और थाने को लेकर चली गई। बाबा विभूतिपुर मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। अब पूरा मामला आपको भी बता दें कि लड़का क्या कह रहा है। लड़का कह रहा है कि जबरदस्ती उसकी शादी की गई है। लड़की ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। लड़की कह रही है कि दोनों 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस सवाल पर कि लड़के का कहना है कि 2 दिन पहले मैं उससे मिला हूँ, इस पर लड़की ने कहा कि गलत बात है। लड़की ने कहा कि उसकी इच्छा से शादी हुई है। एक सवाल पर लड़के ने कहा कि चाय के बहाने बुलाया गया, फिर शादी की बात की गई। इस पर लड़की ने कहा कि ये बच्चे तो नहीं है, चाय के बहाने बुलाएंगे। फिलहाल इस शादी की चर्चा जोरों पर है और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है। लगातार पकड़ुआ विवाह बढ़ता जा रहा है बिहार में, इस बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।